एवरीवन, नमस्ते एंड रुचि प्रेडिक्ट के सेकंड एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि वास्तु क्या होता है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है और एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, और इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो वास्तुशास्त्र इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है वास निवासा, इसका मतलब होता है एक रहने योग्य जगह। सो बेसिकली वास्तुशास्त्र फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लिविंग एनवायरनमेंट फॉर गुड हेल्थ एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। और ऐसा नहीं होता है कि इसमें हवा में बातें करी जाती है, सबके पीछे एक साइंस होता है, साइंस रिलेटेड बेस्ड होता है, कैलकुलेशन होती है। वास्तुशास्त्र इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं और साथ ही साथ एनर्जीज एंड प्रोपोर्शन, इसको बैलेंस करके हम वास्तु करते हैं। वास्तुशास्त्र बहुत ही पुराने शास्त्र है हमारे एंशियंट इंडिया के। कमिंग टू द एस्ट्रोलॉजी, तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, आपका जो पर्सन का बेसिक एनालिसिस देखा जाता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन किया जाता है और किस टाइम पे कौन सी ग्रह दशा चल रही है वो देखा जाता है। क्वांटम थ्योरी स्टेट्स दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स हैज वाइब्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रूम में जाते हैं जहां पर 4 लोग बैठे हुए हैं और वो चारों लोग बड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो आपका मूड भी तुरंत चीयर अप हो जाएगा, आप कितने भी सैड माहौल से आ रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो एनर्जीज है उस रूम में, जो एनर्जी क्रिएट हुई है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, हैप्पी एंड चीयरफुल है। एंड द सेम वे, अगर आप किसी ऐसे रूम में जा रहे हैं जहां पर आप बहुत खुश होकर के आए हैं, लेकिन जब आप उस रूम में घुसेंगे और 4 लोग वो जो बैठे हुए हैं वो एकदम सैड हैं, बहुत दुखी वाली बातें कर रहे हैं, टेंशन वाली बातें कर रहे हैं, रो रहे धो रहे हैं, तो आप कभी मूड वैसा ही हो जाएगा, बिकॉज दैट एनर्जीज अफेक्ट यू एज वेल। इन द सेम वे प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल्स फिगर आल्सो हैव वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज जो कि हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करती है जब हम इस वर्ल्ड में आते हैं। ठीक है, सन के आसपास आपको पता होगा कितने प्लैनेट्स होते हैं और कितने सारे स्टार्स वगैरह होते हैं, वो सब जब मैं एस्ट्रोलॉजी पे आऊंगी तब आपको टेक्निकल टर्म्स में बताऊंगी कैसे क्या काम करता है, अभी हम बस एक शॉर्ट टर्म देख लेते हैं। अब आते हैं हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स की स्टडी करते हैं जिसमें हम कंसिडर करते हैं 1 to 9, मतलब ये 1 to 9 के जो नंबर्स हैं, 0 को हम इन्फिनिटी कंसिडर करते हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो इन नंबर्स के थ्रू आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो, जान सकते हो आपके बारे में, पर्सन की जो हिस्ट्री है उसके डेट ऑफ बर्थ और नेम से पता कर सकते हो। नाउ न्यूमरोलॉजी बहुत सारे तरीके की होती है, जैसे शैल्डियन हो गया, वैदिक ग्रिड हो गई, लोशु ग्रिड, पाइथागोरियन सिस्टम, लेकिन जो न्यूमरोलॉजी का बेस है ना वो इंडिया ही है और ये सब एस्ट्रोलॉजी से ही डराइव करे हुए हैं। लोग बोलते हैं लोशु ग्रिड इज अ चाइनीज न्यूमरोलॉजी सिस्टम। आप लक्ष्मी गणेश यंत्र देखेंगे या व्यापार वृद्धि यंत्र देखेंगे ना, तो ये ऑलमोस्ट उसी तरीके के हैं, सिर्फ इनमें कुछ नंबर्स हैं जो ऊपर नीचे हुए हैं। जब लोशु ग्रिड बताऊंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं इन डेप्थ अभी बताना नहीं चाह रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज ये बहुत लंबी चीजें हैं, ये ऐसी छोटी सी नहीं है कि मैं 10 मिनट की वीडियो में आपको बता दूं। जो न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी इज ऑल्सो एज ओल्ड एज जितनी एस्ट्रोलॉजी हमारी पुरानी है, उतनी ही न्यूमरोलॉजी भी हमारी काफी पुरानी है, बट आई पिक्चर में 25-30 साल पहले से है और काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, बिकॉज लोगों को भी इसके इफेक्ट दिखने लगे हैं एंड लोगों को इसके रिजल्ट दिखने लगे हैं, इसलिए अब काफी लोग इस पर बिलीव भी करने लग गए हैं। न्यूमरोलॉजी क्या सिर्फ नंबर्स पर ही डिपेंड करती है? नो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जिसकी डेट ऑफ बर्थ ऑलमोस्ट सेम है और वो बॉर्न हुआ है मुंबई में, और एक बॉर्न हुआ है किसी भी विलेज में, छोटी जगह पे बॉर्न हुआ है, 18 साल के हैं और दोनों ही बॉय हैं। जो अगर हम ये बोले जैसे नंबर्स तो दोनों के सेम आएंगे, ठीक है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि जो किस्मत इसकी रहेगी वही इसकी रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मुंबई में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होगा, 18 ईयर्स का जो लड़का होगा जिसका नंबर इस लड़के से सेम होने वाला है, तो क्या होने वाला है, जैसे ये जो लड़का रहेगा ये इसकी 18 साल में शायद शादी हो जाएगी, लेकिन ये क्या कर रहा होगा उस टाइम पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहा होगा, किसी अच्छे कॉलेज में एंट्री दे रहा होगा। तो न्यूमरोलॉजी डिपेंड करती है देश, काल और पात्र पे। देश मतलब उसका रीजन हो गया, काल हो गया मतलब टाइम ऑफ अ पर्सन, और जो पात्र हो गया द पर्सन इटसेल्फ। तो ये तो काफी इनडेप्थ वाली बात होगी, अभी हम बेसिक की बात करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ में जो न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बताने वाली हूँ वो इस तरीके का रहने वाला है। इतना बेसिक मैं आपको बता दूं कि आप खुद अपना, अपनी फैमिली का आराम से कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं, साथ ही साथ उसकी रेमेडीज भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो वो एपिसोड्स बाय एपिसोड्स रहने वाला है। आज के एपिसोड में हम पहले बेसिक चीज समझेंगे, अभी हम बात करते हैं नंबर्स की। ठीक है, 1 to 9 नंबर्स एक्चुअली में होते क्या है और ये क्या सिग्निफाई करता है, कि हम उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनकी डेट ऑफ बर्थ। बंदा जन्मा है 26 नवंबर 1991 मान लो आप, ठीक है, तो जो 26 हो गई ये इसकी क्या हो गई, बेसिक नंबर हो गया। बेसिक नंबर को बहुत सारे लोग कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं, भाग्यांक मूल्यांक भी बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसे अलग अलग नाम है, मतलब सबका एक ही है, तो मैं इसको बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर बोलूंगी, एकदम सिंपल सा वर्ड है। तो जो 26 नंबर हो गया वो उसका क्या हो गया, बेसिक नंबर हो गया। 26 को आप कैसे ऐड करोगे, 2 + 6। हम सारे नंबर्स को डिजिट 1 में लेकर के आते हैं, न्यूमरोलॉजी की स्पेशलिटी होती है कि
कि कभी भी डबल नंबर्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता है. कुछ स्पेशल नंबर्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैं बताऊंगी आगे, बट यूजुअली हम नंबर्स को एक नंबर में लेकर के आते हैं, एक डिजिट में लेकर के आते हैं. तो 2+6 कितना हो गया, इट्स 8. तो 8 इज द बेसिक नंबर. एंड डेस्टिनी नंबर कैसा हो गया, हम 2+8 करेंगे, साथ ही साथ जो मंथ है वो ऐड करेंगे, साथ ही साथ हमने जो ईयर है वो ऐड करेंगे. तो ये क्या हो गया, हमारा डेस्टिनी नंबर हो गया. हर नंबर कुछ कहता है और वो क्या कहता है, हर नंबर से रिलेटेड एक प्लैनेट होता है, वो कौन सा प्लैनेट होता है, हर नंबर का एक डे होता है, वो कौन सा डे होता है, वो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ. तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1 के ऊपर. नंबर 1 इज अ सन का नंबर. नंबर 1 जो होता है ये सन का नंबर होता है, सूर्य का नंबर होता है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फादर फिगर रिप्रेजेंट करता है, ये किंग होता है. सन इज पूरे यूनिवर्स का राजा है, सन पूरे यूनिवर्स को ड्राइव कर रहा है. इसकी क्वालिटीज होती है लीडर, वो एक लीडरशिप की क्वालिटी, किंग होता है, फादर होता है. ऐसे लोगों का जिनका नंबर 1 होता है ना, ये बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग इन नेचर होते हैं, रॉयल पर्सनैलिटी इन लोगों की होती है. कोई भी काम होता है वो आगे बढ़कर करने की कोशिश करते हैं. अंडर प्रेशर में ये इस तरीके के लोग कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अच्छे से. इनको हर काम अपने हिसाब से करना अच्छा लगता है. सो ये 1 के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ऐसे बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट अभी दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. कमिंग टू द सेकंड नंबर, वो मून का होता है, मतलब कि चंद्रमा का नंबर होता है. क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मदर को रिप्रेजेंट करता है, एक क्वीन को रिप्रेजेंट करता है. पीछे एक मैं छोटी सी माइथोलॉजिकल स्टोरी बताती हूँ. ऐसे हर नंबर के पीछे माइथोलॉजिकल स्टोरी है, बट वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, इस वीडियोस में पॉसिबल नहीं है इतना सब कुछ बताना. देखा होगा मून जो होता है वो आधे टाइम घट रहा होता है और आधे टाइम बढ़ रहा होता है. इसके पीछे मून को एक श्राप मिला था. तो राजा दक्ष थे, उनकी 27 डॉटर्स थी, और जो उनकी सारी 27 लड़कियां थी ना, उन सबका अट्रैक्शन मून के ऊपर था. तो उन्होंने अपने पापा से जाकर के बोला, मतलब राजा दक्ष से जाकर के बोला कि आप हमारी शादी मून से करवा दीजिए. तो फादर ने बोला कि भाई इतनी सारी लड़कियों की शादी मैं मून से नहीं करवा सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो जितनी भी लड़कियां हैं वो सब जिद करने लग गई कि नहीं नहीं हमको तो मून से ही शादी करनी है. तो क्योंकि वो सब इतना जिद करनी थी, तो उनके फादर ने उनकी शादी मून से करवा दी. मून ने सबके साथ शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ, वहां पर एक पर्टिकुलर, उन सब में एक पर्टिकुलर डॉटर थी जिसका नाम था रोशनी. मून मोस्टली उन्हीं के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे, उन्हीं को ही ज्यादा टाइम देते थे. तो जो बाकी की लड़कियां थी वो सब बड़ा नाराज हो गई. तो उन्होंने ये बात जाकर के राजा दक्ष से कही, वो सारा टाइम रोशनी के साथ ही रहता है, हम लोगों को तो पूछता भी नहीं है, एंड ऑल दैट, ये सब कंप्लेन करी. लड़कियों ने बोला कि आप कुछ करिए. तो राजा दक्ष ने मून को बुलाया और उनसे ये बातें बोली कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, आप सबके साथ वो करो. तो मून ने भी बोला कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया. उन्होंने बोला ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा. लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट फिर से वही चीज हुई, वो अगेन रोशनी के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे और बाकियों को थोड़ा इग्नोर करने लग गए थे. फिर से लड़कियों ने जाकर के राजा दक्ष को कंप्लेन करी. तो इस बार राजा दक्ष जो थे वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए. राजा दक्ष ने मून को बोला, मून क्योंकि बहुत सुंदरता का प्रतीक है, मून इज वेरी ब्यूटीफुल, उन्होंने उसको श्राप दिया कि जिस रूप पर तुमको बहुत ज्यादा घमंड है वो कुरूप हो जाए. जब उन्होंने श्राप दे दिया तो जितने भी बाकी देवता लोग थे वो सब बड़े टेंशन में आ गए, चिंता में आ गए. उनको लगा ये तो बहुत गलत बात हो गई है, क्योंकि एट दी एंड जो मून है वो भी भगवान ही है, तो ये श्राप मिलना अच्छी चीज नहीं है किसी भगवान द्वारा, किसी दूसरे भगवान को. तो जितने भी देवता लोग हैं वो सब किसके पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए. तो ब्रह्मा जी ने बोला शिव की आराधना करो, इसका उपाय सिर्फ शिव जी के पास है. इसलिए बोला जाता है कालों के काल महाकाल, हर चीज का जो सोल्यूशन है वो शिवजी के पास जरूर होता है. शिवजी की आराधना करी गई, फिर शिवजी प्रकट हुए. शिवजी ने बोला भाई मैं इस श्राप को पूरी तरह से खत्म तो नहीं कर सकता, पर हाँ मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ. तो उन्होंने क्या बोला, तुम्हारा जो रूप है वो कुरूप तो होगा, पर वो धीरे धीरे होगा और वापिस अपनी सुंदरता वाली स्टेज पर भी आ जाएगा. आपने देखा होगा फुल मून पर जो मून होता है वो कंप्लीटली ब्यूटीफुल होते हैं, एंड फिर वो धीरे धीरे अगेन अपने घटते हैं और फिर वो बढ़ते हैं. तो ये इसके पीछे की माइथोलॉजिकल स्टोरी है. इसलिए जो 2 नंबर वाले लोग होते हैं ना, इनका मूड एक जैसा नहीं रहता, इनका मूड बहुत फ्लक्चुएट होता है. मूडी होते होंगे, कभी भी आप इनका प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इनका मूड कैसा चल रहा है, तुरंत चेंज हो जाएगा, फ्लिकरिंग माइंड रहेगा, इमोशंस बहुत ज्यादा रहते हैं. सो मून इज ऑल्सो वेरी स्पीडी प्लैनेट. जितने भी प्लैनेट्स दिए गए उसमें से सबसे तेजी से जो अपना चक्कर कंप्लीट करता है 2.5 डे में वो मून ही होता है. जिन लोगों का नंबर 2 रहता है वो जनरली अपने में रहना पसंद करते हैं. 2 इज ऑल्सो नंबर ऑफ हीलिंग नंबर. 2 नंबर वालों की इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है 3 नंबर के ऊपर. 3 जो नंबर है ये जुपिटर का नंबर होता है, मतलब कि गुरु का नंबर होता है. इनको बोला जाता है देवता के गुरु या देव गुरु. ये जो नंबर है derives its knowledge from past. वो धरती पर आया ही इसलिए है ताकि अच्छे कर्मों का, जो उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे हैं उसका वो फल भोग सके. तो इट इज ऑल्सो अ वेरी लकी नंबर. जो 3 नंबर वाले होते हैं ना, इन लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा नॉलेज होता है. तो वो जो नॉलेज होता है ना वो ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इस तरीके का प्रोफेशन में जाना चाहिए जहां पर वो अपना नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर सके. इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इतना
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये लोग हमेशा नॉलेज के लिए हंग्री रहते हैं, इनको कुछ नया नया सीखना ही रहता है, बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं आसानी से। नंबर 3 जो होता है ना, ये एक मैच्योर्ड प्लैनेट है, मतलब एक बुजुर्ग प्लैनेट है, जुपिटर एक बुजुर्ग प्लैनेट कहा जाता है। तो जो नंबर 3 वाले होते हैं ना, इनके अंदर ऑलरेडी काफी कम उम्र से काफी मैच्योरिटी रहती है, काफी मैच्योर्ड होते हैं, समझदार होते हैं। नाउ जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो कुछ टाइम के बाद ये क्या करेगा आपको, आपको ओबीज बना देगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स देगा। अब आते हैं नंबर 4 के ऊपर, मतलब राहु, पॉजिटिव गुंडा, रॉबिनहुड, इनका कोई दिन नहीं होता है। राहु और जो केतु होते हैं ना, इनके कोई दिन नहीं होते हैं। आपको पता होगा राहु जो होते हैं वो एक अपर बॉडी है और जो केतु है वो एक लोअर बॉडी है, इनको शैडो प्लैनेट्स कहा जाता है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि सब प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं, राहु केतु जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं। तो राहु यूजुअली उल्टी सोच रखने वाला होता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ नेगेटिव ही सोचता है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने सोचा होगा कि यार काश हम पक्षी की तरह उड़ पाते या उड़ रहे होते, तो बस किसी उल्टी सोच वाले ने एरोप्लेन इन्वेंट कर दिया। सो दैट इज राहु। अचानक जो सोच आ जाए वो है राहु, अचानक जो मूवमेंट हो जाए वो है राहु। राहु जो होते हैं वो आपको सडन अप्स एंड डाउन देते हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि स्टॉक मार्केट इज राहु। वाई? बिकॉज एकदम सडन अप एंड डाउन होता है उसमें। 4 नंबर वाले लोग जो होते हैं ना, वो जनरली काफी सिस्टमेटिक होते हैं, काफी ऑर्गेनाइज होते हैं। 4 नंबर जो है वो थोड़ी सी आपको हार्डशिप्स भी देता है। नाउ बहुत सारी बार होता है ना, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपको बताते होंगे कि आपको आपका राहु सही नहीं चल रहा है, तो राहु को सही करने के भी बहुत सारी रेमेडीज हैं और बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, वो सब मैं आपको रेमेडी वाले वीडियोस में बताऊंगी। बहुत हर चीज की रेमेडी है, हर नंबर की रेमेडी है, कोई चीज आपके लाइफ में मिसिंग है उसकी रेमेडी है, वो करना चालू कर दीजिए। 1-30 डेज में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएंगे जब आप रेमेडीज करना स्टार्ट करेंगे, वो हम बात की बात करेंगे। अब हम आते हैं नंबर 5 के ऊपर, मर्क्यूरी, बुध का प्लैनेट, बुध बोलते हैं इनको हिंदी में, इनको बोला जाता है प्रिंस या प्रिंसेस करके कंसिडर किया जाता है। बॉलिस प्लैनेट होता है ये, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। जिन लोगों के भी ग्रिड में 5 नंबर है या जिन लोगों का भी बेसिक नंबर इज 5 नंबर ना, आई मस्ट से यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल। मैं आपको बताऊंगी उसके पीछे का रीजन। बहुत ही वर्सेटाइल बाय नेचर होते हैं, कहीं पर भी इजिली एडजस्ट हो जाते हैं, आराम से घुल मिल जाते हैं, अपनी जनरेशन से आगे की सोच रखते हैं, दिमाग इन लोगों का बहुत ज्यादा तेज चलता है, वो खाली बैठना नहीं पसंद है, हमेशा काम करते रहेंगे या काम करवाते रहेंगे, हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं। दे आर इंटेलिजेंट, एंटरटेनिंग, कम्युनिकेशन इज देयर फोर्टे। सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं 5 नंबर के। कमिंग टू द नंबर 6, दैट इज वीनस, शुक्र का नंबर है ये। तो इनको बोला जाता है डेविल गुरु, मतलब असुरों के गुरु थे ये। एंड इनको क्यों ऐसा बोला जाता है, इसके पीछे स्टोरी है जो मैं बाद में कभी आपको बताऊंगी। तो 6 नंबर वाले, 15 नंबर वाले एंड 24 नंबर वाले, सो ये लोग अपने आप को अट्रैक्टिव बना के रखते हैं। अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते, इनको सुंदर दिखना पसंद होता है। लोगों को ब्रांडेड चीजें बड़ी पसंद आती हैं, इनको ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड ये, ब्रांडेड वो, ये सब इनको बड़ा अच्छा लगता है। दे हैव एन अट्रैक्शन फॉर ऑपोजिट सेक्स, इनको फिजिकल डिजायर से हमेशा बचना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं, दैट मींस इनका जो नंबर 6 है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। अगर नंबर 6 पॉजिटिव होगा तो वो फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, फैमिली का नंबर होगा, लेकिन अगर नंबर 6 नेगेटिव होगा, दे विल क्रिएट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ये सारी चीजें वो क्रिएट करवाता है। इसके बारे में अब आते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 इज अ नंबर ऑफ केतु, बिकॉज ये सिर्फ लोअर बॉडी है, अपर नहीं है, हम इसको शैडो प्लैनेट भी कहते हैं, इनको हम प्रीस्ट कहते हैं, प्रीस्ट के नाम से हम इनको बोलते हैं, इनका कोई दिन नहीं होता है। इट इज अ डिवाइन नंबर, दे कनेक्ट यू टू गॉड, जनरली दे आर स्पिरिचुअल बट रिलीजियस है कि नहीं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी क्यूरियस एंड दे ऑब्जर्व थिंग्स वेरी वेल, मतलब हर चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। 7 की जो रीच है ना, वो बियॉन्ड बाउंड्रीज होती है। ये लोग रिसर्च में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, दूसरों पर बहुत इजिली ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए इन लोगों को। नाउ कमिंग टू द 8 नंबर, ये सैटर्न होता है, मतलब कि शनि का नंबर होता है ये। इसको हम डिफाइन करते हैं लेबर या जज से, एंड इनका जो डे होता है वो सैटरडे होता है। सो जो नंबर 8 होता है, ये थोड़ा आपको हार्डशिप देता है, जो पास्ट में आपने कर्म करे हुए हैं उसको प्रायश्चित करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हो। जब आप नंबर 8 से गवर्न हो रहे हो और आप अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिवली कर रहे हो, सबका अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोई आपने शॉर्टकट्स नहीं लिए, गलत काम नहीं करे हैं, 110% आपको रिजल्ट अच्छा ही अच्छा मिलेगा। शनि भगवान जो देवता है वो न्याय के देवता कहलाए जाते हैं, जैसे को तैसा दिया जाता है। अगर आपने बहुत मेहनत करी है, वो आपको रैग्स टू रिचेस भी बना देंगे, एंड इफ यू आर समवन हु इज डूइंग यू नो नेगेटिव थिंग्स एंड ऑल, इफ यू आर गवर्नड बाय नंबर 8, देन वो आपको रिचेस से रैग भी बना देते हैं। इट्स दैट काइंड ऑफ अ नंबर, क्योंकि जब भी शनि जी देते हैं तो उनसे बढ़कर कोई नहीं दे पाता है। वो अच्छे में भी हो सकता है और वो बुरे में भी हो सकता है। वो नेगेटिव भी देते हैं तो बहुत खतरनाक देते हैं, पॉजिटिव भी देते हैं तो वो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी बता दी। नीलम इज अ सिस्टर ऑफ शनि जी।
नीला में एक स्टोन आता है, जेम स्टोन होता है, जो कि सिस्टर है शनि जी की। शनि जी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसमें नीलम ने शनि जी की हेल्प करी थी। तो शनि जी ने नीलम को वरदान दिया था कि आज के बाद जो भी तुम्हें धारण करेगा उसके ऊपर मेरी क्रूर दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो आपने देखा होगा जिन्हों का शनि बहुत ज्यादा भारी होता है या खराब होता है उनको नीलम धारण करवाया जाता है, और नीलम जिसको सूट हो गया उसकी तो आप समझ लो बल्ले बल्ले ही है, लेकिन हर कोई उसको वियर नहीं कर सकता। वो मैं जब जेमस्टोन बारे की बात करेंगे तब बताऊंगी आप लोगों को। बात है नंबर 9 के ऊपर, सबसे लास्ट नंबर है। ये नंबर होता है मार्स का, यानी कि मंगल का। तो जो नंबर 9 वाले होते हैं ना, काफी नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से बहुत हार्ड दिखते हैं बट अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। आप इनसे प्यार से काम करवाएंगे तो ये बहुत प्यार से आपका काम करेंगे, अगर आप इनको एटीट्यूड देके आकड़ के काम करवाएंगे तो ये आपका जीवन में कभी काम नहीं करेंगे। बिजनेस माइंडेड काफी होते हैं, पैसे को अट्रैक्ट करते हैं बट थोड़ा स्ट्रगल होता है लाइफ में। बैड हैबिट्स इनको एक्सेप्टेबल नहीं होती है, ऑलमोस्ट एक गुड ट्रैक पर ही होते हैं, अच्छी हैबिट्स होती है इनकी। इनका मूड होगा तो ये सब कर देंगे, मूड नहीं होगा तो ये कुछ नहीं करेंगे। ट्रू वॉरियर होते हैं, रफ एंड टफ इनकी लाइफ होती है ना। सो दिस All about number 9। ये मैंने बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स आपको बताए, इनके काफी बड़े बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं, वो हम बाद में आके डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको एक शॉर्ट में वो बताना चाहती थी कि बेसिकली 1 to 9 नंबर्स होते क्या है, नंबर्स को चेक करते हैं और कैसे हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में कौन से नंबर प्रेजेंट नहीं है, और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हम उनको कैसे रेमेडी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई नो थोड़ा लंबा हो गया वीडियो बट चीजें बताना भी जरूरी है। सो यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। I hope you like this video and found this video a little helpful. I wish मेरी वजह से थोड़ी बहुत लोगों की अगर help हो जाए तो यही मेरा main purpose है, and मैं आपको मिलती हूँ मेरे next video में। अगर video पसंद आया है then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. See you in my next video. Till then, bye.